हाय गाइस, मैं बादल आपके लिए एक फिर से नया संदेश, नई अपडेट लेकर आया हूं। तो आज हम फील करेंगे गुजरात स्टेट का इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म। इंजीनियरिंग बोल दो या एमबीए बोल दो, बी आर्किटेक्टर बोल दो, एमटेक बोल दो, बी फार्मा बोल दो, ठीक है। तो उसका हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने वाले हैं। तो देखिए कैसे फिल होता है, कैसे आप एडमिशन लेते हैं, कैसे मोदी जी वगैरह बड़े बड़े लोगों से वहाँ पे मिलेंगे। तो सबसे पहले जो है कैंडिडेट का नाम लिखते हैं। तो मेरा नाम लिख देते हैं, माय नेम इज कोमल सैनी और माय क्यूट नेम इज बादल, ओके। एंड माय मोबाइल नंबर डाल देते हैं अभी, ठीक है। जैसे मैंने मैं अपना फॉर्म फिल कर देता हूँ कुछ ही सेकंडों के अंदर। आपको जो अपनी यहाँ पे यूजर आईडी सेलेक्ट करनी होती है, तो मैं अपनी कुछ भी यूजर आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कोमल IIT पटना, ओके। तो मैंने अपनी यूजर आईडी सेलेक्ट कर ली है, पासवर्ड चूज कर लेते हैं, ओके गाइस। तो जस्ट लाइक मैंने अपने नाम सेलेक्ट कर दिया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको बिल्कुल ठीक ठीक पढ़ना है। फिर आपको यूजर आईडी सेलेक्ट करनी होती है। ये बता देता है कि अगर कोई यूजर आईडी ऑलरेडी एनरोल है तो आपको दूसरा सेलेक्ट होना होता है। फिर कैप्चा फिल करने के बाद मैंने सबमिट पे जैसे ही क्लिक किया तो ये यस तो मांग रहा है, मैंने यस किया। यस करने के बाद फिर से विंडो नया खुलेगा, तो ये एक बार फिर से पूछ रहा है कि आप दोबारा चेक कर लो, आपकी आँखें तो खराब नहीं हो गई है। तो मैं फिर से चेक कर लिया, फिर से मैं फाइनल सबमिट पे जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो है OTP आया मेरे मोबाइल पे और जो है सिक्योरिटी पिन। तो मैं अपना OTP डाल देता हूँ अभी, ओके गाइस। तो मैंने OTP फिल कर दिया है, कैप्चा फिल कर दिया है, वेरीफाई सबमिट पे जैसे मैंने क्लिक किया, फिर से सबमिट हुआ, फिर से नया विंडो खुला। फिर से नया विंडो खुलने के बाद मेरी यूजर आईडी क्रिएट हो गई है, कोमल IIT पटना। फिर से मुझे लॉगिन करना होगा, जैसे मैंने लॉगिन पे क्लिक किया गाइस, फिर से वो विंडो वापस हो गया है। तो मुझे अपना यूजर आईडी डालना है, जैसे मैंने डाला था कोमल IIT पटना। फिर मुझे मेरा पासवर्ड फिल करना है और फिर मैं अपना कैप्चा फिल करता हूँ, साइन पे क्लिक। इसके बाद ये मुझे अपना कोर्सेज सेलेक्ट करने को बोल रहा है कि आपको कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना है। जस्ट लाइक यहाँ पे आ रहा है ACPC गुजरात BTech काउंसलिंग, इसकी लास्ट डेट है वो 22 तारीख है, ठीक है, ध्यान देना 22 तारीख है सिर्फ। और जो 26/7/2021 से स्टार्ट है, ओके। और दूसरा है ACPC बी फार्मा, जिसकी भी 22 तारीख लास्ट डेट है। तो मैं जो है ये कंप्लीट कर लेता हूँ BTech वाला। तो अब पूरा फॉर्म फिल करना होगा, मैं वीडियो को पॉज करके फॉर्म फिल करता हूँ, ओके गाइस। तो मैंने अपना फॉर्म जो है फिल कर लिया है, जस्ट लाइक मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी। यहाँ पे जो डोमिसाइल स्टेट दिखा रहा है, एक गुजरात है, एक अदर्स है, तो मैं अदर्स कलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पे कैटेगरी जो है OBC दिखा नहीं रहा है, जनरल, जनरल EWS, SC ST और ये सोशल एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड, तो मैंने सेलेक्ट कर ली। फिर जो है मेरी इनकम तो सिर्फ 0 रुपये है, तो ये मैं ज़्यादा ही फिल कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर और कोई ऑप्शन नहीं दिखा रहा। तो जैसे मैं सेव एंड सबमिट पे क्लिक किया, यस पे क्लिक किया। आप लोग सब्सक्राइब तो करते नहीं है, तो पैसे तो कहाँ से आएंगे यूट्यूब से, ठीक है, तो सब्सक्राइब करो, पता नहीं मैं भी, ओके। तो मैं एड्रेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, फॉर्म को ओपन करना पड़ेगा, ओके गाइस। तो मैंने 2 सेकेंड के अंदर मेरा फॉर्म फिल कर लिया है, देखो एड्रेस डाल दिया है, यहाँ पे मेरा एड्रेस सेम ही है। तो मैं सेम पे सेम एज कॉन्स्टेंट एड्रेस सेव एंड सबमिट पे जैसे मैंने क्लिक किया, मैंने किया यस, यस पे क्लिक करते ही फिर से आगे बढ़ाए। आगे बढ़ने के बाद फिर से नया विंडो खुलने को तैयार, फिर से नया विंडो खुलने वाला है। ये नया विंडो खुल चुका है, ये मुझे 2 फोटोज वगैरह मांग रहा है, तो डॉक्यूमेंट्स, तो मैं फोटोज वगैरह डाल देता हूँ उसमें सुंदर वाले, ओके गाइस। तो मैंने अपना सुंदर फोटो यहाँ पर लगा लिया है और ये जो है सर्टिफिकेट लगा लिया है, डॉक्यूमेंट नंबर लगा देते हैं आधार कार्ड के, सॉरी मैंने अपनी बैंक डायरी लगाई है, तो इसका अकाउंट नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। आप मेरा अकाउंट नंबर याद रखना, IFC कोड है BARB0BRGBXX, ठीक है। और मैंने ये डाल दिया है, मेरा सुंदर फोटो लगा दिया और ये लगा दिया सबमिट परिव्यू पर जैसे मैंने क्लिक किया, फिर से नया विंडो खुलने को तैयार, फिर से नया विंडो खुलने ही वाला है, ओके गाइस। तो जस्ट मेरे पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होने के कारण ये अपलोड नहीं हो पा रहा है और ये सिर्फ ट्रायल पर्पज के लिए था, मेरे पास एक्चुअल में वैलिड डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है ये, ठीक है। तो आप जैसे ये 2 फोटोज
जस्ट ये डॉक्यूमेंट और ये एक स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट जैसे आप इसमें सबमिट करेंगे, जैसे आप सबमिट है प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, फिर आपके पास पेमेंट पेज खुलेगा। इसके अंदर आपको पेमेंट करना है ₹300 का। पेमेंट करने के बाद जैसे आपके पास चॉइस फिलिंग का ऑप्शन होगा, जैसे आप चॉइस फिलिंग करेंगे कंप्यूटर साइंस, कौन सी कॉलेज, कौन सी ऑटोमोबाइल, कौन सी एरोस्पेस, तो आप सबमिट करने के बाद फिर से आपको जस्ट एक राउंड का वेट करना होगा। राउंड के अंदर आपको इस पोर्टल पर दिखाई देगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। अगर आपको अलॉट नहीं होता तो सेकेंड राउंड के अंदर आपको अलॉट होगा, ठीक है। ऐसे ही 10 लाख 2 साल की तरह इसकी काउंसलिंग चलेगी, ओके। फिर उसके बाद आपको कॉलेज के अंदर एंट्री देनी है, फीस पे करनी है वहाँ को, ओके। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय। प्लीज सपोर्ट दिस चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो, ओके, थैंक यू, गुड बाय।